अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे आसानी से हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने इस तरह से स्ट्रिप में पतले पतले काट लिए हैं। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। अब चिकन को हम एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच लीमू का रस। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई लें, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसे चला लें। अब इसे ढक कर धीमी आंच पर चिकन का पानी सूखने तक पकाना है। ये देखिए, चिकन का पानी अब सूख चुका है, हमारा चिकन तैयार है। ये 8 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं। एक ब्रेड के स्लाइस को ले और कोई भी ग्लास या गोल शेप रिंग से इस तरह से गोल शेप में ब्रेड को काट कर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेंगे। ब्रेड के साइड के किनारों को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। और ये जो चिकन हमने पकाया था, इसे थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दरदरा पीस ले चिकन को, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। अब हम इस चिकन में कुछ सब्जियाँ मिलाएंगे। एक बाउल में चिकन लेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप लंबी पतली कटी हुई पत्ता गोभी, 1/2 कप घिसा हुआ गाजर, 1/4 कप उबली हुई कॉर्न। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे और साइड में रखें। एक दूसरे बाउल में अब हम 2 बड़े चम्मच मेयोनीज के लेंगे, साथ ही में 2 बड़े चम्मच दूध डालें, 1 छोटा चम्मच सिरका और 2 छोटे चम्मच पिसी हुई शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉस को हम चिकन और सब्जी के मिक्सचर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने हिसाब से थोड़ा नमक ऐड कर लें। ये हमारी चिकन की स्टफिंग तैयार है। ये 2 अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा नमक डालकर फेंट लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस को अंडे में डिप करें। और फिर ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे इस तरह से। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसे तेल में डालेंगे और इसी तरह से हम दूसरा ब्रेड भी कोट कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये ब्रेड अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के भी ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सारी ब्रेड को हमने फ्राई कर ली है। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को लें और चाकू से बीच में इस तरह से काट लें और इस तरह से ब्रेड को बीच में से कट करते हुए हमें एक जगह बनानी है, जिसमें हम अपनी चिकन की स्टफिंग को भरेंगे। ब्रेड का एक स्लाइस ले लेंगे
और एक चम्मच स्टफिंग भर के इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। तो आप भी इस मज़ेदार यमी सी ब्रेड पॉकेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। इससे मेरी हर वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।